अभी आपके बीच में विद्वानों ने तत्व ज्ञान की भी बात की, इतिहास की भी बात की और बहुत से पक्ष जीवन के, सदाचार के, संकल्पों के सारे उपदेश लगभग हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, और वो बात ये कि बहुत बड़ा भ्रम सुनियोजित रूप से फैलाया गया। कहीं कहीं जैसा आज आप देखते हैं कि कोर्ट भी दबाव में कई बार निर्णय देते हैं, ये तक निर्णय दिए गए कि कांजी स्वामी के अनुयायी वो मूल दिगंबर जैन नहीं है। ये कोर्ट के निर्णय की बात कर रहा हूं। मैं आज आपको डंके की चोट ये बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में इस युग में 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में जैन दिगंबर जैन धर्म को यदि किसी ने फैलाया है, सबसे ज्यादा जागृत किया है, तो वो एक ही महापुरुष था और उनका नाम था आचार्य संतोष कांजी स्वामी। कोई एक व्यक्ति बता दे जिनके द्वारा, जिनके पुण्य प्रताप से इतने दिगंबर मंदिरों की श्रृंखला पूरे विश्व में बड़ी हो, कोई एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसके द्वारा इतने दिगंबर तत्व के द्वारों की परंपरा बनी हो, कोई एक व्यक्ति का नाम बताओ जितने जिनके द्वारा घर घर में और घट घट में समय सार की प्रतिष्ठापना की परंपरा बनी हो, एक व्यक्ति का नाम बताओ। भाई साहब, दुनिया में चक्रवर्ती बहुत हुए होंगे जिन्होंने किसी शिला पर अपने नाम किसी रत्न से उकेरे होंगे, लेकिन जिन्होंने अपने अंतर की साधना से जन जन के हृदय में उस समय सार को उकेर दिया, उस गायक भगवान की आत्मा की चर्चा को उकेर दिया, भाई साहब दूसरा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चरणों में झुकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्वरूप की ओर ठुकाने वाले आपको बिरले मिलेंगे। ऐसा हमारा महान पुण्य था जो पूज्य गुरुदेव हमारे इस काल में आ गए। विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन भाग्य में तो जिनके होगा उन्हीं को मिलेगा ना वो तत्व। जिनके भाग्य में नहीं था वो विरोध करते रह गए, और जिनके भाग्य में था इस नरभव को सफल करना, वो उनके चरणों में ढुक गए। उन्होंने अपना जीवन सफल करने का मार्ग तो मिल गया, अब पुरुषार्थ करना ये उनके अपने हाथ की बात थी, ये जबरदस्ती की बात नहीं थी। मैं एक प्रसंग छोटा सा आपको बता के अपनी बात यहीं विराम करूंगा। आदेश है भाई संजय जी का कि समय की सीमा का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं छोटी सी बात कहना चाहती, आज आयोजन और सभी से क्षमा याचना के साथ पूज्य गुरुदेव श्री ने जब इस दिगंबर आमनाय को अपनाया था, आप कल्पना कर सकते हैं उस पूरे गुजरात के उन प्रांतों में आसपास एक भी दिगंबर जैन परिवार नहीं था। कौन बचाने आता वो श्वेतांबर जिन संप्रदाय को छोड़ के आ रहे थे, उन्होंने मनुहार भी की थी और धमकियां भी थी यदि ऐसा नहीं माना तो कुछ भी हो सकता है। उन धमकियों से बेपरवाह उस सुनसान सी जगह पर इस तत्व को जिन्होंने समझा, स्वीकारा और उसके बाद किसी की परवाह नहीं की, उसको जीवन में आत्मसात किया, उन गुरुदेव ने बताइए आयोजन को प्रमुख रखा था या प्रयोजन को? मुझे खेद है आज हम उनके अनुयायी जब जब यदि हम आयोजन को प्रमुख कर देते हैं और प्रयोजन छोड़ने लगते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, स्मरण करिए अपने गुरु को। श्रद्धांजलि खाली शब्दों से नहीं होती है, श्रद्धांजलि माथा टेकने से नहीं होती है, श्रद्धांजलि होती है अपने जीवन को समर्पित करने से, उस मार्ग पर लगाने से। मेरे भाइयों बहनों, आप आयोजन कीजिए उनके भव्य से भव्य, लेकिन ध्यान रखिए वह प्रयोजन ना छूट जाए जो उन्होंने हमें जीवन में दिया, वह तत्व ना छूट जाए जो उन्होंने हमें जीवन में दिया है। और एक वाक्य को तो अपने हृदय पर ऐसे लिख के रख लेना, उन्होंने कहा बड़े करुण भाव से कहा, यदि किसी को पर्याय की दृष्टि से मैंने देखा हो तो मुझे क्षमा कर। क्या करुणा थी! मुझे वो दृश्य याद है, मैं साथ में चल रहा था, ये सन 77 के सौंदर शिविर की बात। सत्येंद्र जी भाई साहब बहुत मार्मिक प्रसंग बता रहा हूं, चल रहा था साथ
साथ में गुरुदेव श्री दोपहर के प्रवचन के बाद अपने जिस भवन में रहते थे वहां चल रहे थे, साथ में भाई नेम बता रहा हूँ, भाई रतनलाल जी अनुवाद हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति, वो साथ चल रहे थे, मैं भी साइड में था। नीम का एक सूखा फूल उड़ के आया, वो पत्थर की पगडंडी बनी हुई थी उसी पर चलते थे, बाकी घास पर तो कभी चले ही नहीं। उस पगडंडी पर एक सूखा फूल उड़ के आ गया, रतनलाल जी का ध्यान गुरुदेव श्री की ओर था और गुरुदेव श्री का ध्यान तत्व की चर्चा के साथ साथ इस पर भी था। उन्होंने कहा, अरे रतनलाल जी भाइयों कहीं कर दियो, भविष्य ना अनेका अनेक सिद्ध भवन जिसमें विराजमान है उस एक फूल पर तुमने पैर रख दिया। आप करुणा तो देखिए, जो कहते व्यवहार नीम का उच्छेद करते हैं उनके जीवन का व्यवहार तो देखिए आप। बंधुओं, हमें इन सब पक्षों पर ध्यान देना होगा और साथ ही मैं आपको सूचित करने वाला हूं, बहुत से लोगों के कई फोन आते हैं, संकेत आते हैं। आदरणीय जो पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी और प्रखरतम विद्वान साधक आदरणीय बाबू युगल जी का स्मृति ग्रंथ लगभग पूर्णता की ओर है, उसमें वह एक ग्रंथ ऐसा बनेगा जिसमें व्यक्तिगत प्रशंसाओं को, श्रद्धांजलियों को न्यूनतम स्थान है और तत्वज्ञान और स्वाध्याय का ग्रंथ बने। इस रूप में 750 पृष्ठों का वह ग्रंथ शास्त्रा का, जिसमें मूल तत्व की बात है, वह पूज्य गुरुदेव श्री के उन अनुयायी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं आपको सूचना के रूप में बता रहा हूं कि वह तैयार होने वाला है और उसका भी इसी दिल्ली में या जहां भी होगा आप सब लोग पूरे तत्व ज्ञान की गरिमा को समझते हुए 3 दिन का पहले सेमिनार होगा और उसके बाद उसका लोकार्पण होगा, ताकि तत्व की चर्चा पहले हो और आयोजन बाद में हो, प्रयोजन की चर्चा पहले हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। पुनः सादर।